सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल MS सोडा को और दबाए इस बेल आइकन को। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS सोडा में और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या खाना खाने के बाद में नहाना सही होता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, सर हमें बताइए खाना खाने के बाद में नहाना सही होता है या फिर नहीं होता। इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इस बिजी लाइफस्टाइल के अंदर हर किसी का लाइफस्टाइल अलग अलग तरीके से है। नहाने का, खाने का, पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई कभी जैसे आज आपने 12 बजे जो खाना खाया है, कल आप 2 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं। इसी तरीके से लाइफस्टाइल बहुत ही अलग तरीके का है। अगर हम पुराने वक्त की अगर बात की जाए तो लोग, आप लोगों ने देखा होगा, सवेरे सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठा करते थे और जल्दी नहाने के बाद में ही सभी अपने काम जो भी होते थे वो किया करते थे, फिर खाना खाते थे। इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। अभी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अलग तरीके का है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऑफिस से आते हैं हाथों हाथ खाना खा के उसके बाद में नहाते। इस तरीके की बहुत सारी भी चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग हैबिट्स होती है, अलग अलग आदतें होती है। कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के साथ में मीठा खाने की, कुछ लोगों की आदत होती है बाद में मीठा खाने की। सो कुछ लोगों की आदत होती है खाने के साथ में पानी पीने की, तो कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद में पानी पीने की। इस तरीके की हर किसी की अलग अलग हैबिट्स होती है, अलग अलग आदत होती है। सो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है, कुछ लोग खाना खाने से पहले नहाते हैं तो कुछ लोग बाद में नहाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, आयुर्वेदा जो है वो क्या कहता है इस चीज़ के बारे में कि नहाना सही रहता है या फिर नहीं रहता है, और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो क्या कहता है इस बारे में, कितनी देर के बाद में नहाना चाहिए या फिर नहाना चाहिए या फिर नहीं नहाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल MS सोडा पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा के सब्सक्राइब जरूर करें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक Instagram के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी Instagram की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी Instagram की आईडी है, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। तो जब हम खाना खाते हैं तब पाचन में मदद के लिए पेट के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाता है, वहीं खाने के बाद नहाने से ये ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिससे डाइजेशन स्लो, पाचन जो है आपका वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। आयुर्वेद भी अपने सिद्धांतों के अनुसार इसे सही बताता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट जो होते हैं, अग्नि तत्व, डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब शरीर में फायर एलिमेंट जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। खाने के बाद जल्दी पचाने के लिए खाने को जो वो शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। जब हम नहाते हैं तब शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हमारा जो तापमान है वो नीचे चला जाता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, जो पाचन को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भोजन के बाद, खाने के बाद स्विमिंग जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया जो होती है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसमें बाधा आती है, उसमें बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ कह सकते हो वो आती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। ये तब भी हो सकता है जब आप खाने के बाद नहाते हैं, लेकिन तुरंत बाद नहाने से आपको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे बेचैनी, सीने में जलन, मोटापा, इस तरीके की कई और प्रॉब्लम या फिर समस्याएं कह सकते हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, अगर देखा जाए मॉडर्न साइंस के बारे में अगर बात की जाए तो मॉडर्न साइंस कहता है खाने के आपको 30 मिनट के बाद में आप लोग नहा सकते हैं। अगर आयुर्वेदा की बात की जाए, आयुर्वेदा कहता है कि खाने के 2 घंटे बाद में आपको नहाना चाहिए। सो दोनों चीज़ों में यही देखा गया है, यही कहा गया है कि आपको खाने के बाद में नहाना नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो फायर एलिमेंट होता है, सही तरीके अगर सरल भाषा में अगर बात की जाए तो खाने के बाद में अगर हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, पाचन प्रक्रिया जैसे कह सकते हो, वो सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती है। तो आप अगर खाना खाने के बाद में नहाते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि खाना खाने के बाद में आपको नहीं नहाना, आधा घंटा या फिर 1 से 2 घंटे के बाद में ही नहाना है, जिससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो सही रहे। क्योंकि आज की इस बिज़ी लाइफस्टाइल के अंदर हर किसी इंसान का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से है, कि खाने पीने का कोई टाइम टेबल या फिर शेड्यूल नहीं है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक Instagram के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को मेरी Instagram की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी Instagram की आईडी है, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं।